स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेसरोलॉजी। वही थेसरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके, भावनात्मक बात करके, समाज को बात करके, एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठाना है कि हर बिहारी को छठ में घर लाना है। एनडीए सरकार ने ठाना है हर बिहारी को छठ में घर लाना है। अब पटना से पूर्णिया और किशनगंज जाने के लिए 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, वंदे भारत ट्रेन है, और पूरे बिहार का नया स्वरूप भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बदला है, हमारे बिहारी भाई, हमारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं, वो भी गर्व से कह सके कि हम बिहारी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास होगा, इतना बड़ा स्पेशल पैकेज मिला है, और जो विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है, आंख का ऑपरेशन कराने की जरूरत है या चश्मा लेने की जरूरत है, ये बजट में जो हिस्सा मिला है बिहार को, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना है। तो आज माननीय नित्यानंद राय जी ने आपको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि कुछ लोग भावनात्मक राजनीति करके समाज को जाति में, वर्ग में बांटने का काम करते हैं, और वहीं पर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही फर्क है। और अगर फर्क किसी को नहीं देखना दिखाई पड़ रहा है तो आंख का इलाज करवा लें, चश्मा मिलता है चश्मा खरीद लें, लेकिन उसके बाद भी हम लोग गांव में बोलते हैं थेथर है। थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी। वही थेथरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके, भावनात्मक बात करके, समाज को बात करके आज राजनीति करने की ताक में है। इसलिए मैं आज नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का, बिहार का विकास के लिए आप आवाज वहां उठाते रहिए, और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा जब आइए, कुछ न कुछ बिहार के लिए सौगात लेकर के आइए। हमसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं खुद। और आज एक और अनुरोध मैं करूंगा कि छठ पर्व आने वाला है, मैं नित्यानंद राय जी से अनुरोध करूंगा कि आप रेल मंत्रालय के साथ 1-1.5 महीना पहले बैठकर एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठाना है कि हर बिहारी को छठ में घर लाना है। एनडीए सरकार ने ठाना है हर बिहारी को छठ में घर लाना है। तो नित्यानंद जी यहां बैठे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय दिलीप जायसवाल जी का आदेश है, मैं यह संवाद लेकर जरूर दिल्ली में पहुंचाऊंगा, और मुझको भरोसा है कि जो बिहारी छठ पर्व में यहाँ आना चाहेंगे, ससम्मान उनको बिहार आने और फिर बिहार से अपने काम धंधों में या जहाँ भी रोजगार में है, नौकरी में, वहाँ लौटने में उनको कोई असुविधा नहीं होगी, इतनी सुविधा प्रदान की जाएगी। मैंने ये बात इसलिए कहा कि बजट में जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है, तो हमारे बिहारी भाई जो बाहर रहते हैं, उनको ये एहसास हो कि अब पटना से पूर्णिया और किशनगंज जाने के लिए 4 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है, वंदे भारत ट्रेन है, और पूरे बिहार का नया स्वरूप भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बदला है, हमारे बिहारी भाई, हमारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं, वो भी गर्व से कह सके कि हम बिहारी। तो बजट का ये फायदा है कि हमारे भाई बाहर में भी रहकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास होगा, इतना बड़ा स्पेशल पैकेज मिला है, और जो विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है, आंख का ऑपरेशन कराने की जरूरत है या चश्मा लेने की जरूरत है, वो हमारे भाई
आज उनको आकर के पूरे देश दुनिया में बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार को आगे ले जा रहे हैं। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।